रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। एक्सरसाइज 8.5 जो है हमने ख़त्म कर ली है। ये जो ब्रैकेट्स वाली एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उसको नोट भी कर लिया होगा। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं, जिसका नाम है इवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें पेज नंबर 95 पे। The process of finding the absolute or numerical value of an expression by using numbers in place of variables is called evaluation. ये आपको जो अगली एक्सरसाइज जो दी हुई है उसमें कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे, आपने उनकी जगह पे नंबर्स पुट करने हैं। जो ऊपर नंबर्स जो ऊपर गिवन है आपको, वो नंबर्स आपने पुट करने हैं। नंबर्स पुट करके आपने उनको सॉल्व करना है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। उस प्रोसेस को इवेल्यूएशन का जो है ना वो नाम दिया गया है। एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है जिसमें ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो गिवन है। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। और एक्सप्रेशन उसने दी हुई है, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। आपने ये तीनों वैल्यूज पहले पुट कर दी है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है, इसमें कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी है, a माइनस बी है, b प्लस सी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपने खुद कर लिए। एक पार्ट मैं और करता हूँ, लिखा हुआ है 6a माइनस 2b माइनस 2c। इसमें भी आप वैल्यूज पुट करें, 6 इंटू ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लें। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1। मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 12 में से आप पहले 2 माइनस कर दें, 10 आ गया माइनस 2, 2 में 10 में से फिर 2 माइनस कर दें, तो ये आपके पास 8 आ गए। तो देखें, आप जस्ट सिंपल आपने नंबर्स जो वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पे आपने जो नंबर्स गिवन है वो पुट करने हैं। नंबर पुट करके आपने जस्ट उसको प्लस माइनस जो भी आपके पास गिवन है आपने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो आप खुद करेंगे, इसमें कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 3 और उसने आपसे कहा इसको प्रूव करें a प्लस b इक्वल टू 2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपके पास, a की वैल्यू a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू माइनस 3 है। उसने कहा प्रूव करें, साबित करें कि a प्लस b जो है वो इक्वल टू 2 है। ए और बी की जो वैल्यू गिवन है आप वो पुट कर दें। ए की वैल्यू जो गिवन है वो 5 है, प्लस बी की वैल्यू जो है वो माइनस 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अब ऐसे भी लिखेंगे 5 प्लस माइनस 3, ऐसे लिख देंगे। इस तरह से आपने इसको नहीं लिखना, दो साइन इकट्ठे नहीं लिखने आपने। ठीक है, इसलिए मैंने इसका ब्रैकेट का इस्तेमाल किया इसमें कि वो अलहदा नजर आए। ये देखें, ये ए की वैल्यू पुट कर दी, ये क्वेश्चन में जो साइन था वो पुट किया और बी की वैल्यू माइनस 3 थी उसको मैंने अलहदा ब्रैकेट में पुट कर दिया। ठीक है, आपने इसको इस तरह नहीं लिखना है इकट्ठा। अब आप इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 5 में से 3 को माइनस करें, 2 इधर भी आ गया और 2 इधर भी आ गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आप एंड पे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड कि ये जो है हमने इसको साबित कर दिया है कि ये 2 दोनों तरफ जो है ना वो 2 है। इसी तरह से आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। ए बी सी की वैल्यू जो है वो गिवन है आपके पास और आपने इसको पुट करके इसमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 9 है और आपको उसने क्या प्रूव करें, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसने कहा है कि ये हिस्से को आप सॉल्व करें, इधर भी 9 आए, इधर पहले से 9 है, ये दोनों की जो आंसर है ऐसे समझ लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। आप ए की वैल्यू पुट करें 1 माइनस, बी की वैल्यू पुट करें 1 प्लस, सी की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू 9। ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9, ये भी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो इतने कोई इसमें जो है परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने ऐसे ही करना है। इसमें आपको जो वैल्यू है वो गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू माइनस 10 और सी इज इक्वल टू 4। आपने प्रूव करना है कि ए मल्टीप्लाई बी
प्लस 25C इज इक्वल टू जीरो। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे पहले जीरो आई है, हमने प्रूव करना है। आप ए की वैल्यू पुट करें 10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू -10, के ब्रैकेट का मैंने इस्तेमाल किया जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, प्लस 25 इंटू सी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू जीरो। 10 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस का भी ख्याल रखना है, 10 times 100 -100 आएगा आपके पास। प्लस 25 को अपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 आ जाएगा, 25 4 100, 100 प्लस में है 100 माइनस में है, तो ये वैल्यू कैंसल, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तकरीबन सारी एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही है कि आपने उसको जो है वो वैल्यूज गिवन है, ए बी सी वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी, नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को आपने वेरिएबल्स की जगह पे पुट करना है, तो उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी उसने डिमांड आपसे की होगी आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपने अपने कॉपी पेस्ट को जो रिमेनिंग पार्ट्स कुछ रह गए हैं वो आपने नोट करने हैं और साथ उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।